हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं अनीशा तोमर जी, और इन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी सीएससी 2019 के अंदर 94th रैंक हासिल किया है। तो इनसे खूब सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको पता है कि आप ही के थ्रू हमने रिसीव किए हैं, और आपके क्वेश्चन हम लोग इनके सामने फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स, और साथ ही साथ इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, तो उसके बारे में भी एक डिटेल से चर्चा करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ऑन दिस सब्जेक्ट। So first of all, Anisha, a very heartiest congratulations from the Only IAS team for your selection. Thank you so much. Okay, so we can begin this session. Or yahan par what we have addressed is like the aspirants question we are putting forward to you. Pehla question tha, we have recently received this question that earlier we have made a video on the cutoff, that ki itna cutoff jata hai, it's hardly 50-60% वाला पोर्शन होता है। तो किसी का एक ऐसा क्वेश्चन था कि सर अगर इतना ही आसान है तो आप लोग बताते क्यों नहीं, मतलब कि देन आई हैव रियलाइज्ड कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ इन द यूट्यूब जो कि अपने अपने स्ट्रैटेजीज टॉपर्स डेफिनेटली दे यूज़ टू शेयर, बट एट द सेम टाइम जो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं और जो एक्चुअल एफर्ट होता है, व्हाट द एस्पिरेंट्स आर पुटिंग, देर इज़ अ ह्यूज गैप इन बिटवीन। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये कैसे हो सकता है, मीन्स जो यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी शेयर होती है एंड वॉट शुड बी एक्चुअली फॉलोड बाई द एस्पिरेंट्स, वॉट इज द बेसिक डिफरेंस अमंग देम एंड हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड एंड वॉट यू विल रिकमेंड टू द एस्पिरेंट्स यंग माइंड्स। एक्चुअली शिवम, द ट्रूथ इज दैट अगर 800-900 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं हर साल, तो 800-900 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती भी हैं। बट हमें ये रियलाइज करना है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। सो फॉर एग्जांपल, मुझे ये पता था, सिंस आई कम फ्रॉम अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बैकग्राउंड, तो मेरा पेपर टू थोड़ा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू द अदर पीपल, एंड पॉलिटी वाज समथिंग जो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ती थी, एंड प्रीलिम्स के लिए भी वही पॉलिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। So I used to make sure कि prelims में पॉलिटी का कोई क्वेश्चन कभी गलत ना हो। So that was my personal strategy. And geography मेरा थोड़ा कच्चा था और वो अभी तक थोड़ा कच्चा ही है। तो geography के क्वेश्चन में थोड़ा अवॉइड करती थी, अगर नहीं आता था तो नहीं मार्क करती थी। तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ सही कर सकते हैं, कहाँ नहीं। सबकी सुने बट इवेंचुअली अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बनाए, तो मैंने वही किया था। ओके 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 अनीशा, यहाँ पर अच्छा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि आपने बताया कि आपका ऑप्शनल पबैड है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपका बैकग्राउंड जो रहा है वो बीटेक रहा है एंड यू आर अ बीटेक ग्रेजुएट, तो ये ट्रिमेंडस चेंजेस कहाँ से आते हैं कि हाउ यू हैव सेलेक्टेड? मीन्स ऐसा होता है ना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पबैड के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ईजी ऑप्शनल है, बट एट द सेम टाइम यूपीएससी ने एक साल टारगेट भी किया था, बहुत कम मार्क्स आए थे, तो कीपिंग ऑल सच रिस्क इन योर माइंड, आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ पबैड पर ही जाना चाहिए एंड हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट? सो फर्स्ट थिंग इज दैट मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, तो मेरा तो कोई सब्जेक्ट था ही नहीं सिविल सर्विसेज में। सो जब मैंने सब्जेक्ट्स देखना शुरू किया, आई हैड शॉर्टलिस्टेड 3, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबका सिलेबस देखकर। बट देन मुझे लगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है वो काफी रेलेवेंट है टू द जॉब दैट आई एक्चुअली वांट टू डू, एंड उसी हिसाब से मैंने सिलेक्ट कर लिया। बट फिर एक दो साल काफी अच्छे मार्क्स नहीं आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, थोड़ा डर भी लगा बीच में कि कहीं गलत तो नहीं ले लिया। बट पर्सनली आई लव्ड द सब्जेक्ट एंड मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। मैंने 3 साल पढ़ाई की, मैंने इग्नू से मास्टर्स भी कर लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साथ ही साथ। सो बिकॉज इतना इंटरेस्ट था तो मुझे लगता है मैं 3 साल सस्टेन कर पाई। एंड जहां तक कि ये बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इजी है, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये गलत है। इट इज नॉट इजी एंड इट इज अ क्वाइट टेक्निकल सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही डिटेलिंग में जाके करनी पड़ती है एंड बुक्स कम है, बट the subject has to be studied in a lot of depth and ek tarika hota hai padhne ka, random padhenge to fir to mushkil lagega hi. Exactly. That would be my suggestion. Okay, to yahan par aapne bataya ki kuch cheeze aasan banayi ja sakti hai, matlab ye hamare bas mein hai ki how we can make any subject in a easy form,
यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सो मेनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन नोट्स मेकिंग, उनको लगता है कि जिस सब्जेक्ट का हमने नोट्स बना लिया उसकी नैया हमारी पार हो जाएगी, तो हाउ दिस नोट मेकिंग फीचर, कि ये जो एक लेंथी प्रोसेस है ना, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है नोट्स बनाना, उसको वापस से रिवाइज करना पड़ना, तो हाउ कैन एस्पिरेंट सेव देयर टाइम इन नोट्स मेकिंग, या फिर स्मार्टली वो और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू देम? जहां तक नोट्स मेकिंग का केस है, मैं कहूंगी कि न्यूज़पेपर के लिए तो नोट मेकिंग इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि पर्सनली मैंने भी यही फॉलो किया था. एंड मेरे इन 3 सालों में तीन बहुत ही मोटे मोटे रजिस्टर भर चुके हैं, एंड मैंने सिर्फ वही रिवाइज किया मेन से पहले. तो मुझे लगता है उसका काफी फायदा ही हुआ. एंड एक चीज मैंने कहीं सुनी थी, अब आई डोंट नो साइंटिफिकली कितना प्रूवन है, बट कहते हैं कि आप जो भी अपने हाथ से लिखते हैं तो आपके हाथ को याद हो जाता है. अब आई डोंट नो ये कितना सही है, बट मैंने ये मेंस में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेंस में आपको बहुत जल्दी लिखना होता है, 3 घंटे होते हैं, बहुत कुछ आपको लिखना होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना होता है, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सोच पाए, जो आपको याद है वही आप लिखते हैं. तो दैट इज नोट मेकिंग हैज हेल्प मी. सेकेंडली, बाकी मैंने जो अपने ऑप्शनल वगैरह के लिए मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, और बुक्स में ही मैं मार्क करती थी. तो बाकी लोग ऑनलाइन नोट्स भी बनाते हैं, बट सिंस मैंने वो कभी नहीं किया तो आई थिंक आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट, बिल्कुल बट मैं बुक में ही मार्क करके वही रिवाइज करती थी बस. यहाँ पर अच्छा जैसा आपने बोला कि हम यूजुअली जब किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमने नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिए, स्पेसिफिकली जब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पबैड है तो इसका पॉलिटी के साथ अच्छा खासा रिलेशन है। तो एक तो पॉलिटी होती है जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है सब एम लक्ष्मीकांत को 5 बार 6 बार तो डेफिनेटली पढ़ते ही पढ़ते हैं इस पूरे जर्नी में, और भी बहुत बार लोग पढ़ लेते हैं, बट वाइल टेकिंग इट थ्रू द मेंस वहाँ पर मुझे लगता है कि एक सबल डिफरेंस आता है इन दोनों की प्रिपरेशंस में। तो पॉलिटी को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? ये इनफैक्ट बहुत अच्छा और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जब पेपर टू सब देखते हैं, स्पेशली इस बार का जो पेपर टू जीएस पेपर टू आया है, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही करंट रिलेटेड हैं एंड काइंड ऑफ ट्रिकी आल्सो टू आंसर. तो मैं कहूंगी पॉलिटी के लिए आपको न्यूज़पेपर के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड फॉर दिस एवरीडे न्यूज़पेपर रीडिंग, फिगरिंग आउट कि सिलेबस में से कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़पेपर में आ रहे हैं. तो मैं आपको अपना सिलेबस दिखाना चाहूंगी, बिल्कुल ये मैंने बिल्कुल 3 साल पहले निकाला था और अब इसकी ऐसी हालत हो चुकी है. ओके तो ये दिखाने का ये रीजन है कि मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त इसे साथ रखती थी, इसमें से टॉपिक्स देखती थी और फिर न्यूज़पेपर में से वही चीजें उठाती थी जो पेपर टू के लिए जरूरी थी. एंड आई यूज टू मेक अ नोट इमीडिएटली, क्योंकि जो चीज हम बात के लिए छोड़ देते हैं फिर वो छूट ही जाती है. एंड देन अलाइन इट विद द टॉपिक दैट यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत से या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं. एंड मेंस के टाइम तो हम ऑफकोर्स सब कंसोलिडेट करते ही हैं, तो उससे मुझे लगता है एक ओवरऑल आपका कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है विद एग्जाम्पल्स. एंड ऑफकोर्स आपका स्टैटिक तो बुक से आता ही है, तो दैट गिव्स एन एक्स्ट्रा एज. अब मार्क्स आएंगे तो आई कैन टेल बेटर, बट आई थिंक दिस हैज वर्क्ड फॉर मी दिस टाइम. यहाँ पर अच्छा एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे आपने 2 बार मेंस लिख लिया, ये आपका सेकेंड टाइम का मेंस रहा है, तो फर्स्ट टाइम मेंस लिखने के बाद कुछ पता चलता है, मतलब एक मुझे लगता है कि हमारे लिए एक एनलाइटनमेंट वाला पीरियड होता है जब पता चलता है कि हमने मेंस लिखा है और हमारा सिलेक्शन एनी हाउ फॉर एनी रीज़न नहीं हो पाया है। तो वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जिस पे आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ पर सच में मिस्टेक्स थी और दिस आई हैव टू इम्प्रूव, एंड यू हैव इम्प्रूव्ड इट ऑल्सो एंड यू हैव सीन द रिजल्ट? तो ये बिल्कुल सही बात है. लास्ट ईयर ऑल्सो मुझे लग रहा था कि शायद मेंस क्लियर हो जाएगा, मेरे 6 मार्क्स कम थे कट ऑफ से, तो कहीं थोड़ी सी उम्मीद थी. पर जब मार्क्स आए तो मुझे रियलाइज हो गया कि बहुत मेजर ब्लंडर्स किए थे मैंने. मेरे GS1 में बहुत कम मार्क्स थे, सो दिस ईयर आई मेड श्योर कि मैं सोसाइटी पे बहुत वर्क करूं जो GS1 का पोर्शन है. लास्ट ईयर मैंने वो इग्नोर कर दिया था ये सोच के कि सोसाइटी तो इजी है, हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, मैं तो कर लूंगी. बट वो माइंडसेट बहुत गलत है. कुछ
भी हो नहीं जाता इस एग्जाम में, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बार मैंने सोसाइटी पे काफी फोकस किया एंड आई एम श्योर सोसाइटी के जितने भी क्वेश्चन है उनमें मार्क्स अच्छे ही आएंगे इस बार। सेकेंड थिंग दैट आई वर्क ऑन वॉज माई एसे। तो प्राइड था मुझ में कि मुझे ऐसे बहुत अच्छे लिखने आते हैं। बचपन में बहुत अच्छे ऐसे लिखे, थोड़े बहुत प्राइज वगैरह भी मिल गए थे ऐसे ही। तो मैंने ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं किया लास्ट टाइम एंड मेरे 119 मार्क्स थे जो कि काफी कम है व्हेन यू सी द कंपटीशन। इस बार मैंने 4-5 ऐसे भी लिखे, कम लिखे, फिर भी ज्यादा लिखने चाहिए थे, बट आई स्टिल वर्कड ऑन दैट। सो एंड ऑफकोर्स द ऑप्शनल मेरे 281 थे, तो इस बार आई एम होपिंग कि 300 प्लस हूँ। सो आई रोट मोर टेस्ट्स एंड वर्क ऑन दैट। तो ये तीन मेरे फोकस एरिया थे एंड इवन एथिक्स, एथिक्स भी हम इग्नोर कर देते हैं जो मुझे लगता है बहुत मेजर ब्लंडर हो सकता है। तो आई वर्क ऑन एथिक्स ऑल्सो दिस टाइम। ओके ओके, इसी इसी से ना मैं एक और क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि देर आर टू पैरामीटर्स जो कि यूजली मुझे लगता है कि सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई अपना एथिक्स वाला पेपर स्ट्रांग करो, एसे स्ट्रांग करो एंड द होल जर्नी बिकम अ लॉट ईजियर देन वॉट इट वॉज अर्लियर। तो यहाँ पर जो एसे और जीएस पेपर 4 पर आपने बोला कि एफर्ट करना चाहिए, तो कैन यू सजेस्ट, मतलब बहुत सारे लोग बस इतना बोल के छोड़ देते हैं, इसके बाद करना क्या होता है ये एक्चुअल में बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। तो एग्जैक्टली पेपर 4 और एसे को हम कैसे टैकल कर सकते हैं इसके लिए, मतलब वॉट वी हैव टू मीन्स स्टार्टिंग से अगर कोई एथिक्स उठाता है पेपर तो वॉट ही और शी शुड डू विद द एथिक्स पेपर। तो एथिक्स के लिए मैं सबसे पहले आपको सोर्सेज बताना चाहूंगी। पर्सनली यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं आदित्य मिश्रा सर की, तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो देखी थी। मैंने एथिक्स के नोट्स फॉलो किए थे अगेन वही पवन सर के, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एथिक्स में मुझे लगता है आंसर राइटिंग इज द क्रक्स। तो पर्सनली माई आंसर राइटिंग चेंज when I saw Meenal ma'am's paper, वो rank 35 थी last year, and I saw one paper of hers test series का ही, उसमें उनके I think 126 marks थे, and she had written beautiful answers, brilliant, मतलब वो standard ही अलग था answers का, and वो देख के मुझे पता चला कि किस type के answers लिखने की जरूरत है वहां पहुंचने के लिए। मैं बस ये पूछना चाह रहा था ना कि व्हाट चेंजेस यू हैव सीन, लाइक कि आपके आंसर्स में क्या नहीं थे जो मिनल मैम के आंसर्स में आपने देखे। हाँ, तो एथिक्स में क्या है कि हमें ना बहुत लॉजिकल नहीं लिखना होता। अगर हम अपने दिमाग से लिखेंगे तो फिर मार्क्स भी 90 और 95 तक ही आएंगे। एथिक्स में थोड़ा इमोशन डालना पड़ता है, थोड़े एग्जाम्पल्स ज्यादा डालने पड़ते हैं, थोड़ी कोट्स वगैरह ज्यादा डालने पड़ते हैं, and that comes from your emotional intelligence. अगर आपका EQ high है, then you will know how to tackle that paper. So this time that is what I focused on. And मैंने test series लगाई उसकी, and I wrote about 4-5 tests, and I did well on that. तो उससे मुझे पता चला कि कैसे improve करना है. So I would suggest that. अच्छा, यहाँ पर अनीशा हमने जैसे देखा कि ये तो बात हो गई एथिक्स वाले पेपर की, अब इसी तरीके से एसे के लिए भी आप कुछ इनसाइट दीजिए कि although you have written just 4 or 5 essays, but still you have scored very good marks. और बचपन से ही आप इसमें महारत हासिल करके बैठी हुई हैं, तो what was the strategy behind it? मतलब क्या उसमें ऐसा क्या लिख देते हैं जिससे नंबर बढ़ जाते हैं? तो essay का भी proper तरीका होता है लिखने का, ये मुझे पता नहीं था अपने first attempt में, तो मेरी गलती थी, मैंने अपने मन से essay लिखा, बहुत भावनाओं में बहकर लिखा, तो नंबर भी हिसाब से आए। बट इस बार मैंने क्या किया कि पहले मैंने टेस्ट लिखा बिना कुछ देखे, एंड उस टेस्ट में मुझे ये पता चला कि गलतियां कहाँ हैं। तो ऐसे में आपको एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है प्रॉपर, तो उसमें आपको या तो इंगेज करना पड़ता है जो आपको ऐसे रीड कर रहा है, आप ये सोचिए वो आपके 10 पेजेस रीड कर रहा है, अगर वो इंगेज ही नहीं करेगा आपके ऐसे के साथ तो वो उसको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो आपको या तो कोई स्टोरी बनानी है या कुछ एनेक्डोट देना है, कुछ ऐसा कि उसे लगे हाँ भाई कुछ पढ़ने लायक लिखा है इस कैंडिडेट ने। तो मैंने दोनों ही एसे में एक स्टोरी से शुरू किया था और उसी स्टोरी को एक कंक्लूजन दिया टुवर्ड्स द एंड। फिलोसफिकल एसे में बहुत सारे फिलोसफर्स लिखे, उनके कोट्स, जैसे बुद्धा को कोट किया मैंने, फिर मैंने गांधी जी को बहुत यूज किया,
गांधी जी ने हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ कहा है, बिल्कुल तो उनको हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं बहुत जगह, एंड वो काफी अच्छा भी माना जाता है, काफी मार्क्स मिलते हैं उससे, तो आई थिंक वो हमें करना चाहिए। एंड जो दूसरा ऐसे था वो मैंने काफी टेक्निकल लिखा है, वो एजुकेशन और हेल्थ पे था, तो उस पे तो काफी मटेरियल होता है। अगेन आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, सारे एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और उस हिसाब से लिखना चाहिए। ओके ओके ओके। यहाँ पर अच्छा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम में बस कूदना चाहते हैं कि अब से स्टार्ट करते हैं हम इस प्रिपरेशन को, इस जर्नी को, जैसा कि हमें पता है कि मिनिमम टाइम फ्रेम होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। वेरी रेयर कि कोई विद इन द यूपीएससी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में इसको कवर करता है। तो वॉट वन शुड कीप इन देयर माइंड कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए अगर हम अपियर होना चाहते हैं या फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो टाइम फ्रेम क्या लेके चले अपने साथ, कि वो प्रैक्टिकल टाइम जो होता है कि हमें पूरा सिलेबस भी कवर कर लेना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब चीज़ों का एक प्रैक्टिकल टाइम जोन क्या है, मतलब कैसे लोग अपने दिमाग में लेके चले इस चीज़ को। सच तो यही है कि जब हम शुरू करते हैं तैयारी तो हम सब यही सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम आईएएस बन जाएंगे। मैंने भी यही सोचा था, बट आई थिंक जो प्रैक्टिकल यही होगा कि हम कम से कम अपने आप को दो अटेम्प्ट तो दें, 2 साल तो कम से कम मिनिमम हम सोच के चलें, क्योंकि हमें ये एग्जाम समझने में ही बहुत समय लग जाता है। सच्चाई तो यही है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, तो आई से कि 2 अटेम्प्ट आप अपने आप को दें, डोंट बीट योर सेल्फ ओवर इट, एंड उससे भी लंबी हो सकती है, जैसे मेरी, मैंने 2nd अटेम्प्ट में बहुत गलतियां की, बट आपको सीखना जरूरी है, आप गलतियां बार बार ना दोहराएं, आप फटाफट उनसे सीखें और फिर उसी हिसाब से आपके अटेम्प्ट कम होते जाएंगे अगर आप गलतियां सीखते रहें, गलतियों से सीखें। तो आई से 2 अटेम्प्ट आप अपने डेफिनेटली दें। ओके ओके ओके। तो अनिशा अच्छा, यहाँ पर जो अभी इस बार आपका इंटरव्यू हुआ है वो लॉकडाउन के बाद हुआ था या लॉकडाउन से पहले हुआ था? मेरा पहले हुआ था, इट वाज ऑन 18 मार्च। ओके, इन 18 मार्च। सो कुछ लोग का तो पहले हो गया, एंड स्टिल द सिचुएशन इज लाइक कि अनसर्टेनिटी हर जगह, और मैं ये क्वेश्चन लगभग सभी टॉपर से पूछ रहा हूँ जिससे कि बच्चों को इनसाइट मिल पाए, उनको मोटिवेशन मिल पाए इस चीज़ का। तो ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में जब हर जगह केवल और केवल अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन्स हैं, डीमोटिवेशंस हैं, न्यूज़ भी ऐसे ही आते हैं आजकल के कि उसमें से कुछ भी खुशियाँ नहीं मिलती हैं, तो ऐसे वर्स्ट सिनेरियोज में, नॉट इन दिस ओनली पैंडमिक सिचुएशन बट इन अदर केसेस ऑल्सो, कि हम कैसे इंस्पिरेशन हाई रख सकते हैं, अपनी मोटिवेशन कहाँ से ले सकते हैं, एंड हाउ टू स्टिक टू द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम, की हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, वो जो मोटिवेशन है वो कहाँ से लेनी चाहिए या फिर कैसे हम इसको टैकल करते हैं? पहली बात तो यही है कि ये सब जो भी चल रहा है इस सब से हमें अपने आप को इंसुलेट ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप बस सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ये जो न्यूज आती है 24/7 और ये जो बाइट्स हैं जो इंस्टाग्राम है, इस सब से बहुत बहुत दूर रहें। इस सब के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको, तो ये अभी कोई जरूरत नहीं है। रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स, इन सब से दूर रहें, अभी कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। सेकेंडली आई से फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे टाइम में। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, माई मदर वॉज अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट टू मी, उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया, शी वॉज ऑल्सो अ टीचर, उन्होंने मुझे हिस्ट्री भी पढ़ाई। बहुत टाइम ऐसा होता था कि बहुत लो फील होता था, लगता था नहीं हो पाएगा, तो आई थिंक आप अपनी फैमिली में ही सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, वो बेस्ट होते हैं, उनका कोई इविल इंटेंशन नहीं होता, तो उनसे बात कीजिए, जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे बात कीजिए, एंड हर चीज को भुला के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अज्यूम कीजिए कि प्री 4th अक्टूबर को ही है, ओके, और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। यंग एस्पिरेंट्स को मैं यही कहूंगी, 2 महीने हैं, आप यही सोचिए आपका एग्जाम 4th अक्टूबर को है और सब भूल जाइए, बस अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके अच्छा, यहीं पर एक और आप इनको गाइड कर दीजिए इस तरीके से कि अभी मुश्किल से ये 55-60 डेज जो बचे हुए हैं, तो अगर हम मानते हैं कि 4th अक्टूबर को ही एग्जाम हो रहा है, तो व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी, क्या टाइम टेबल वगैरह का क्या रोल है, या फिर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए जब हमारे पास आखिरी के 1 महीने 2 महीने बचते हैं, तो व्हाट कैन बी द स्ट्रेटजी टू क्लियर दिस प्रीलिम्स और एनी एग्जाम, मींस अगर मेंस में भी आप बता सके तो।
ओके ओके ओके. अब अनिशा, इस पूरे सेशन को हम रैप अप करेंगे. और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन. यहाँ पर द लास्ट वर्ड, अभी आपने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है एस्पिरेंट्स को, बट स्टिल इफ देर इज़ एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड कि ये उनको पूरे साल भर रिचार्ज करके रखेगा, कि वो एनर्जाइज रहेंगे अपने इस पूरे प्रिपरेशन में, एंड वॉट इज़ वन टू और थ्री थिंग्स, वॉट एवर यू कैन स्पीक, कि वो उनको अपने दिमाग में रखना ही रखना है जब भी वो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं. तो एक चीज मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें, विच बेसिकली मींस कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के ही अपनी तैयारी करें और ऐसे ही पढ़ाई ना शुरू करें, क्योंकि फिर आपका डायरेक्शन लूज हो जाएगा एंड उससे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिए। दूसरी चीज है कि जब भी सैड फील हो या ऐसा लगे कि ना हो पाए, तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन मुझे नहीं लगता दुनिया में है। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती थी एंड दैट ऑलवेज वर्क फॉर मी। सो आई थिंक दैट इज ऑल आई लाइक टू से एंड ऑल द बेस्ट एंड डू वेल एंड जस्ट कीप एट इट। ओके ओके. थैंक यू अनिशा फॉर योर टाइम. दिस इज अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू। आई थिंक कि बहुत सारी चीजें, इनको नई बातें पता चलेंगी और सीखने को मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू।